60 लीटर के एक मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 2:1 है। भाई 60 लीटर का कोई मिश्रण है तो उसमें दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। ये मिल्क है और ये वाटर है। कह रहा है कि इस अनुपात को 1:2 करना है, इस अनुपात को 1:2 करना है तो मिश्रण में कितना पानी और मिलाना पड़ेगा। ये पानी मिलाने की बात कर रहा है, किसकी, वाटर, पानी मिलाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो कितना पानी मिलाया जाए ताकि ये रेशो कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। तो ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड मारने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा देखो आप, रेशो से ही काम चला दो। एक बात बताओ यहाँ पर क्वेश्चन में कि क्या मिलाने की बात कर रहे हैं, पानी। तो पानी मिलाने की बात कर रहा है तो पानी का रेशो 1:1 हो गया, 2 हो गया। बात ठीक है, बात हजम हो रही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि दूध में कुछ मिलाने के निकालने की बात की है, नहीं की। तो दूध का जो रेशो था वो यहाँ पर सेम होना चाहिए था, लेकिन चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा करना है कि दूध का रेशो जो है चेंज ना हो, पानी का रेशो बढ़ जाए। तो भाई यहाँ पर 2 है तो इसको भी 2 बना सकते हैं, और मैंने बताया था आपको रेशो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई व डिवाइड कर सकते हैं, रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो 200 मल्टीप्लाई मैं इस पूरे को कर लेता हूँ। तो आप कहोगे यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4। अब देखो जरा, मिल्क में चेंज नहीं है और पानी में चेंज है। पानी में कितने का चेंज है, कितने, 1:4 हो गया, 3 बढ़ गया ना, 3 बढ़ गया। यानी आपको 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां से कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7। यानी 3 की वैल्यू दे रखी है 60, तो भाई आपको 3 की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू ही 60 हो गई, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 7, यानी 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा।